हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए एमपी टेट और जो स्टूडेंट प्राइमरी शिक्षक की भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे पास यहाँ पर। और आज का टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा दो तीन पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो मोस्टली एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज बना दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 26, इसके पहले की मैं समझा चुका हूँ, आप देख लीजिए। तो सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन ही डील्स विद ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों, जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो आप फोकस करना है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है और वर्ब हमारी कैसी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मैं कई बार बताया है मैंने आपको कि जब भी कोई दो नाउन या प्रो नाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। पहला वाला नाउन कैसा? प्लूरल है, द ऑथर्स। एंड द ऑथर्स जब प्लूरल है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपीयर्स के स्थान पर हमें अपीयर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि बाकी का जो सब्जेक्ट ऑथर है ये कैसा है? प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पर जो एरर होगा फिर कौन से पार्ट में होगा? ए पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 27। एंड सेंटेंस नंबर 27 है, ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज ए लाउड नॉइस एंड स्मॉग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने में सब्जेक्ट ऑल प्लूरल लग रहा है, लेकिन हम यहाँ वस्तु की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग। यानी जब भी रूल है, जब भी ऑल का मीन्स एवरीथिंग से हो, किससे हो? एवरीथिंग से हो, तो उसके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर आपको यूज करना होगा इच। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है आपकी बी पार्ट में। चलिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 28। एंड सेंटेंस नंबर 28 में है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट हैंडलिंग पीपल। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, अभी बताया है कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अब आपका वन कैसा कैसा है? सिंगुलर है, और यहाँ पर वर्ब कैसी है? प्लूरल। तो हमें यहाँ आर के स्थान पर यूज करना होगा इच का। तो कहने का मतलब यहाँ पर होगा कि आपका बी पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हुई। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 29। एंड सेंटेंस नंबर 29 में है, ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन। ओके, तो चार पार्ट में से किस पार्ट में मिस्टेक है हम देख लेते हैं। ही रेगुलेटेड मी, और ये सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में, और उसके बाद लिखी हुई है टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे याद रखिए। इन्फिनेटिव वर्ब दो तरह की होती है, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। तो टू के बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और यहाँ पर क्या है आपकी? मेड लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर हमें मेड देखिए स्थान पर मेड का प्रयोग करना होगा। तो जो एरर है हमारा वो है बी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 30। एंड सेंटेंस नंबर 30 में है, दिस पेन इज वेरी गुड बट इट, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्रॉस्टेड। ओके, ये हमारी करेक्ट है, यहाँ पर ये रॉन्ग टाइप है। ओके, तो दिस पेन इज वेरी गुड बट इट कॉस्टेड मी 10 रुपीज। अब बताना है हमें यहाँ पर कि एरर क्या होगा। तुम ध्यान से देखें तो जो कॉस्ट हमारी वर्ब है, इसके जो तीनों फॉर्म होते हैं, यानी चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म हो, चाहे पास्ट सिंपल फॉर्म हो, और या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, तीनों फॉर्म सेम होते हैं कॉस्ट के। इसमें हम ईडी यानी रेगुलर वर्ब बना के सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं बनाते। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होगी, कॉस्टेड के स्थान पर हमें लिखना होगा यहाँ पर कॉस्ट ओनली। तो बी पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 31। एंड सेंटेंस नंबर 31 में है, व्हेन समवन स्पीक टू अस वी सॉ हिम बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। कि जब भी हम किसी से बात करते हैं
जब भी कोई हमसे बात करता है, वी सॉ हिम, तो हम उसे क्या करते हैं, देखते हैं। ये बात हो रही है प्रेजेंट में और यहाँ पर बात चलने लगी है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ देखें वी रीड, ये आपका रीड देखते हैं क्या है, क्योंकि रीड के भी तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, प्रोनंसिएशन में डिफरेंस होता है। वी डोंट सी, ये भी प्रेजेंट सिंपल में, कहने का मतलब है फर्स्ट सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो यहाँ जो सॉ लगा हुआ है ना, तो ये भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सॉ है, यहाँ इस पर लिखना होगा हमें सी। तो व्हेन समवन स्पीक टू अस वी सी हिम, बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। तो जो मिस्टेक है वो है आपकी बी पार्ट में। दोस्तों यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है 32, एंड 32 में है पीपल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज, लोगों के पास अधिकार है क्रिटिसाइज करने का। ओके, प्रेजेंट में है, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी आल्सो। तो यहाँ पर हम देखें लोगों को आलोचना करने का अधिकार है, ओके, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, बट एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर। दोस्तों जब भी हमारे सब्जेक्ट में ईच, एवरी, आइदर या नाइदर का यूज किया गया हो, तो वर्ब हमेशा यूज होती है सिंगुलर, ये रूल है। मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ साथ रूल भी बता रहा हूँ, जिससे आपका कम टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा ग्रामर में, और ग्रामर आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी। तो जब भी हमारे सेंटेंस का जब सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो, तो आपकी वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हैव के स्थान पर हमें यूज करना होगा हैज। तो आपका जो मिस्टेक है वो है आपका सी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 33, एंड सेंटेंस नंबर 33 है यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। ओके, सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रूल है जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल होते हैं, यानी तुम और मैं, लोग कितने हुए, दो हुए, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा आर। हाँ, यदि इसी सेंटेंस में यदि आपका यूज होता कंजंक्शन और, इधर और, नीदर नॉर, है ना, तो आपका जो वर्ब यूज होता है फिर वो सेकेंड वाले नाउन या लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन का अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तब ये करेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका एम के स्थान पर हमें यूज करना होगा आर का, तो ए पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 34, एंड सेंटेंस नंबर 34 में है नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन टू डेज। ओके, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई। ये भी मैंने आपको बताया, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा उसके पास वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार, यानी लास्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज की जाती है। तो हिज ब्रदर प्रशांत कैसा सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर हमें यूज करना होगा एच। तो जो राइट ऑप्शन हो रहा है कि आपका बी पार्ट है और यहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 35, एंड सेंटेंस नंबर 35 में है ही हैड टेकन ऑफ हिज शर्ट एंड थ्रू इट ऑन द फ्लोर बिफोर एंटरिंग द हाउस। ओके, तो इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो ये है कि हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड टेकन, और जब भी एंड के बाद हमें फिर वही वर्ब लिखनी हो, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, और ये लिखा हुआ है पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर भी आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना होगा, यानी कि थ्रू के स्थान पर हमें लिखना होगा थ्रोन। ओके, तब ये सेंटेंस यार हमारा राइट बनेगा। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है आपकी बी पार्ट में सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस अपना 36, रमेश पजेसेस ऑल दो गुड क्वालिटीज विच एवरी आइडियल स्टूडेंट पजेसेस। ओके, तो रमेश सिंगुलर है, वर्ब में ऐसे यस, और पजेस जो वर्ब है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसका मतलब होता है कि पजेस वर्ब को आप कॉन्टीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, रमेश पजेसेस ऑल दो गुड क्वालिटीज विच एवरी स्टूडेंट शुड पजेसेस। ओके, शुड आपकी ये क्या है, मॉडल वर्ब है,
शुड आपकी मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब के बाद जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो होना चाहिए बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है बेयर इन्फिनेटिव में। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ई एस हटाना होगा, तो आपका जो मिस्टेक है वो है सी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 37, एंड सेंटेंस नंबर 37 है, वी फाउंड द सोल्जर लाइंग सीरियसली वाउंडेड एंड डाइड शॉर्टली आफ्टर वाट, बताना यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। जल्दी से कमेंट करके आप भी बताते जाइए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर चेक करना कि कितने सेंटेंस में से आपने कितने ऑप्टेंट किए हैं। तो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में, वी फाउंड द सोल्जर, ओके, एंड फाउंड के बाद ये आपका लाइन, ठीक है, सीरियसली वाउंडेड एंड डाइड। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जब भी एंड कंजक्शन से जो वर्ब लगी होती है उनका जो फॉर्म होता है ना वो सेम होता है। ऊपर देखिए आईएनजी फॉर्म है, नीचे क्या है आपका सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो हमें यहाँ डाइड के स्थान पर लिखना होगा डाइंग, तब ये जाके करेक्ट बनेगा। तो यानी कि आपका जो मिस्टेक हुआ वो हुआ सी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 38, एंड सेंटेंस नंबर 38 है, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई वो उतनी यूजफुल नहीं थी जितनी कि हमने सोचा था जितनी होगी। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आपका इन्फॉर्मेशन, हम बात इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूजफुल क्या नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है वर, ये प्लूरल है और इन्फॉर्मेशन आपका कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पर हमें वर्ब यूज करनी होती है सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो रॉन्ग है वो है वर्क के स्थान पर हमें रिप्लेस करना होगा वर्क को वास, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। ओके, तो ऑप्शन आपका बी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 39, एंड सेंटेंस नंबर 39 है, फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो है द राजधानी एक्सप्रेस, यानी राजधानी एक्सप्रेस सीधी न्यू दिल्ली को नहीं जाती है। तो राजधानी एक्सप्रेस क्या एक ट्रेन का नाम है जो ये सिंगुलर है, और यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रही है डू नॉट ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डज नॉट, तब ये करेक्ट बनेगा, यानी कि फ्रॉम मुंबई द राजधानी एक्सप्रेस डज नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली। ओके, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 40, एंड सेंटेंस नंबर 40 है, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ओके, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, काफ़ी इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें लिखा हमारा सेंटेंस है वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, यानी हमें ये घर बेहद पसंद है क्योंकि हम इस घर में कितना रहे हैं पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम लगा हुआ है, और नॉर्मली सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और सिंपल टेंस में सेंस ऑफ फोर का यूज तो होता ही नहीं है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हटा के हमें यहाँ लिखना होगा हैव बीन, यानी कि वी हैव बीन लिविंग इन इट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है आपकी बी पार्ट में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। क्लास में टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने आपके मार्क्स आए इसमें, वो भी हमें बताना है, और पसंद आए तो दोस्तों साथ से थैंक यू फॉर वॉचिंग।